हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्निकल विद इंजीनियर सुहेल। कैसे हैं साथियों आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और कुछ दिन से हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी, उसका कुछ रीज़न था। वो रीज़न क्या था मैं आपको बाद में बता दूंगा। हम अपना टाइम ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हमारा ख़राब हो चुका है, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू ही करते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है, आपकी देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक नए क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में, हर सेट में आपका पूछा जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका किस जगह पर है, कहाँ पड़ता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं इस चीज़ को कि कौन सा हवाई अड्डा आपका किस शहर में पड़ता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है? हम अपने क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहला अगर आप लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहला है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है नई दिल्ली में, ठीक है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका दोस्तों पड़ता है नई दिल्ली, क्लियर है? इन सब चीज़ों को याद रखना आप लोग। आप लोग ऐसा पढ़ो कि आपको एक ही बार पढ़ें और आपको सब कुछ याद हो जाए। तो पहला है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका पड़ता है नई दिल्ली में। दूसरा है सर आपका छत्रपति शिवाजी, मैंने ये लगाए हैं आपके, मतलब ये चीज़ सेम है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका सर पड़ता है मुंबई में। कहाँ पड़ता है आपका छत्रपति शिवाजी? मुंबई में, ठीक है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर आपका पड़ता है मुंबई में। फिर है आपका तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सर पड़ता है आपका कोलकाता में। जो सर कहाँ पड़ता है आपका? कोलकाता में, क्लियर है? जो सर कहाँ पड़ता है आपका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर पड़ता है आपका कोलकाता। फिर है आपका चौथा अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है सर आपका चेन्नई में, ठीक है? अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका सर कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। फिर है आपका बी आर अम्बेडकर, मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है नागपुर में, ठीक है? कहाँ पड़ता है आपका बी आर अम्बेडकर हवाई अड्डा? नागपुर में, क्लियर है? उसके बाद है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है सर आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे, ये आपको एक क्वेश्चंस ज़रूर मिलेगा आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। ये मैं नहीं कहूँगा कोई टारगेट करके कि आपका यही एग्ज़ाम हो, आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ है आपका? अहमदाबाद। फिर है आपका गोपीनाथ वारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सर पड़ता है आपका गुवाहाटी में। कहाँ पड़ता है सर आपका? गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है? गुवाहाटी में, कहाँ पड़ता है आपका? गुवाहाटी, क्लियर है? उसके बाद है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये शायद पड़ता है आपका लखनऊ में। हाँ बिल्कुल, कहाँ पड़ता है ये चौधरी चरण सिंह? ये पड़ता है आपका सर लखनऊ, क्लियर है? उसके बाद है सर आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है आपका अमृतसर। गुरु रामदास सही समझ में आ रहा होगा आपको, कहाँ पड़ता है आपका? अमृतसर में, ठीक है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है अमृतसर। उसके बाद है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा, इस त्रिवेंद्रम से क्या क्लियर लग रहा होगा आपको? तिरुवनंतपुरम, ठीक? कहाँ पर है आपका? तिरुवनंतपुरम, ठीक है? कहाँ है आपका? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है? ये है आपके, क्या है? पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है नई दिल्ली में, ठीक है? दूसरा क्या था आपका? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ सर पड़ता है आपका? मुंबई में। उसके बाद था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सर पड़ता है आपका कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट था आपका अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है सर आपका चेन्नई में। फिर है आपका बी आर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सर पड़ता है आपका नागपुर में। उसके बाद है सर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ है आपका? अहमदाबाद। और गोपीनाथ वारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है आपका गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है लखनऊ में। और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है सर आपका अमृतसर। और फिर उसके बाद है त्रिवेंद्रम, जहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये बात कर रहा है आपकी तिरुवनंतपुरम की, ठीक है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के रहे हुए हैं जो वो भी बताता हूँ मैं आपको,
सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, रफ़ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं कर देता हूँ रफ़। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए, हाँ साथियों, तो आपने सभी ने वो नोट कर लिया होगा, ये उससे आगे के हैं, ये उससे आगे के जो हमारे बकाया रह गए हम लोग ये भी देख लेते हैं। और इस बात की गारंटी है साथियों, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। किसमें? आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसके भी आंसर्स देख लेते हैं। पहला है आपका कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है सर आपका कोझा या कोझिकोड में, ठीक है? कहाँ पड़ता है? कोझिकोड। क्लियर है? कहाँ पड़ता है आपका? कोझिकोड। और फिर है आपका गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये जहाँ का है मतलब उसी नाम पर ही इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है, मतलब गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ पड़ता है आपका? गया में पड़ता है, ठीक है? ऐसे ही क्या है आपका? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है? कहाँ पड़ता है साथियों आपका? हैदराबाद में, ठीक है? आपका पड़ता है कहाँ? हैदराबाद में। फिर है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका सर कहाँ पड़ता है? कोची में, ठीक है? कहाँ पड़ता है? कोची, ठीक है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ पड़ता है आपका? कोची में। ऐसे ही पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर पड़ता है आपका पटना में ही, ठीक है? मतलब जो यहाँ का है उसी नाम पर ही ये है। फिर है आपका दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सर पड़ता है आपका दावोलिम, मतलब कहाँ पड़ता है सर आपका? गोवा में, ठीक है? फिर है आपका कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है? ये सर पड़ता है आपका बंगलुरु में, ठीक है? बंगलुरु कहाँ पड़ता है सर आपका? बंगलुरु। फिर है आपका मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सर कहाँ पड़ता है आपका? मंगलुरु में ही पड़ता है, ठीक है? जिस जगह का है उसी जगह पर ही इसका नाम है, मंगलुरु। क्लियर है? फिर है आपका पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सर आपका पुणे में ही पड़ता है। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ पड़ता है आपका? पुणे में ही, ठीक है? फिर है आपका जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पड़ता है सर आपका? जयपुर में ही पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद है आपका कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पड़ता है आपका? कोयम्बटूर में ही पड़ता है। मतलब इसमें आपके बहुत से ऐसे होंगे जो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ वो याद करने हैं जो आपके शहर के नाम पर नहीं है। जो शहर के नाम पर हैं वो तो आप क्लियर बता ही देंगे, ठीक है? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ पड़ता है आपका? कोयम्बटूर में। फिर है आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सर पड़ता है आपका वाराणसी में, ठीक है? कहाँ पड़ता है सर आपका? वाराणसी में, आपका पड़ता है वाराणसी में। फिर है आपका विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपका पड़ता है विशाखापट्टनम में ही, ठीक है? ये सर कहाँ पड़ता है आपका? विशाखापट्टनम में ही पड़ता है, विशाखापट्टनम में ही आपका पड़ता है ये, ठीक है? विशाखापट्टनम में ही पड़ता है। फिर है आपका सर इम्फॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी सर आपका कहाँ पड़ता है? इम्फॉल में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? इम्फॉल में ही पड़ता है, ठीक है? फिर है आपका शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सर पड़ता है आपका चंडीगढ़ में, ये सर कहाँ पड़ता है आपका? चंडीगढ़, ये पड़ता है सर आपका चंडीगढ़ में। उसके बाद है आपका बाग डोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ता है आपका? बाग डोगरा सिलीगुड़ी में, ठीक है? ये पड़ता है आपका बाग डोगरा सिलीगुड़ी में, ठीक है? सिलीगुड़ी, ओके, क्लियर है सभी को? ये सर कहाँ पड़ता है आपका? बाग डोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है आपको बाग डोगरा सिलीगुड़ी में। फिर है आपका भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है विशाखापट्टनम, कहाँ पड़ता है आपका? विशाखापट्टनम, ठीक है? मतलब आपके विशाखापट्टनम के कितने हो गए? एक हो गया भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक था आपका विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये इस समय क्या है? भविष्य में है, ठीक है? भविष्य में ये है इस टाइम, ठीक है? कौन सा आपका? भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब इस समय है भविष्य में आपका, ठीक है? भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापट्टनम भविष्य में। फिर है आपका मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पड़ता है आपका गोवा में, ठीक है? कहाँ पड़ता है आपका? गोवा में, और ये भी इस समय भविष्य में है, ठीक है? भविष्य में इस समय कौन सा है आपका? यही है, कौन सा? मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर है आपका कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो है आपका कन्नूर में, ठीक है?
जो है आपका कन्नूर में। फिर आपका नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर पड़ता है आपका नवी मुंबई में ही, जो कहाँ पड़ता है आपका नवी मुंबई में। क्लियर है, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पड़ता है सर, नवी मुंबई में ही। फिर है आपका न्यू पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, न्यू पुणे में ही पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या है आपको बहुत कम ही याद करने हैं, न्यू पुणे में ही पड़ता है। फिर है आपका न्यू पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है पुणे में ही। ठीक है, और है आपका तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका तिरुचिरापल्ली में, ये कहाँ पड़ता है आपका तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, और कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कन्नूर में ही पड़ता है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवी मुंबई में पड़ता है। न्यू पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू पुणे में ही पड़ता है आपका। तो साथियों ये थे आपके बचे हुए, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या क्या है हमारे। पहला है हमारा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पड़ता है सर आपका कोझीकोड में। उसके बाद है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर पड़ता है आपका गया में। फिर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर पड़ता है आपका हैदराबाद। उसके बाद कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सर आपका कोची में। उसके बाद पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका पटना में। फिर है आपका दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका है गोवा। फिर है आपका कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पड़ता है आपका बंगलुरु में। फिर है आपका मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है आपका मंगलुरु में ही पड़ता है। फिर पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका पुणे में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ है जयपुर में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका कोयम्बटूर में ही है। फिर आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका वाराणसी में है। उसके बाद है आपका विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर कहाँ है आपका विशाखापट्टनम में ही है। फिर क्या है आपका इम्फॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो भी आपका इम्फॉल में ही होगा। और शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ पड़ता है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है आपका बागडोगरा सिलीगुड़ी में पड़ता है आपका। ठीक है, फिर है आपका भोगमपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका विशाखापट्टनम। और इस समय भविष्य में अगर जो चल रहा है आपका तो वो है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही। ठीक है, फिर है आपका मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर पड़ता है आपका गोवा में। उसके बाद कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर कहाँ है आपका कन्नूर में है। फिर आपका है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर कहाँ पड़ता है आपका नवी मुंबई में ही पड़ता है। उसके बाद न्यू पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है सर आपका न्यू पुणे में। फिर आपका तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है आपका तिरुचिरापल्ली में ही पड़ता है। ठीक है, ये सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी को याद हो गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे, ये उम्मीद यही करता हूँ कि सभी को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें याद हो गई होंगी। सभी लोग लिख लिए जल्दी से, आपसे वादा है कि आपसे एक भी क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है मेरी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। अगर आपका इससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, लेकिन आपका इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इस बात की गारंटी है। जल्दी जल्दी से आप लिख लीजिए, एक बार आपको और बता देता हूँ मैं क्या है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है सर आपका कोझीकोड में, आप कान लगा के सुनते रहिए। एक बार गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका गया में। ऐसे ही राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ पड़ता है आपका हैदराबाद में। फिर आपका क्या है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर कहाँ पड़ता है आपका कोची में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर पड़ता है आपका पटना में। फिर आपका है दाबोलीम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है सर गोवा में। फिर है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर पड़ता है आपका बेंगलुरु में। फिर है आपका मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सर पड़ता है आपका मंगलुरु में ही। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है पुणे में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में पड़ता है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है कोयम्बटूर में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका वाराणसी में। उसके बाद है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका विशाखापट्टनम में। फिर इम्फॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका इम्फॉल में ही पड़ता है। फिर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पड़ता है चंडीगढ़ में। उसके बाद बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है आपका बागडोगरा और सिलीगुड़ी में। ठीक है, फिर है भागापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ विशाखापट्टनम में जो इस टाइम भविष्य में आपका चल रहा है। फिर है आपका मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है गोवा में आपका। फिर है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है आपका कन्नूर में। फिर है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका कहाँ पर है आपका नवी मुंबई में। फिर है न्यू पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका न्यू पुणे में। फिर है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है आपका तिरुचिरापल्ली में ही पड़ता है। तो साथियों कुछ ये इंपॉर्टेंट आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में हमने पढ़ा है।
इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, भरोसा रखिए अपने भाई पर, एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला है इससे, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, जो भी मैंने लिखाया है इसको अपने हाथ से लिखिएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, और मैंने जो आपसे कहा है उसको बस आँख मीच के सोने से पहले एक बार सुन लीजिएगा, बस आपको पूरा ये याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, और आपके 1 से 2 नंबर भी कन्फर्म पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।